Dear students, welcome to online class. We are started in lesson 2, the sound of music. So part 2 mein the shehnai of Bismillah Khan. Part 2 mein the shehnai of Bismillah Khan. Aapne bachcho iska naam to suna hoga. Ye mashhoor shehnai vadak the. इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. Why did Aurangzeb ban the playing of Pungi? Pungi एक वाद्य यंत्र है. औरंगजेब ने जो ये जो वाद्य यंत्र है इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया? आंसर, Pungi was a dreaded musical instrument. It produced shrill and unpleasant sound. Aurangzeb did not like it, so he banned his playing in his palace. जो एक वाद्य यंत्र है पुंगी नाम की, तो वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, लेकिन उसकी आवाज और ध्वनि कर्कश होती है कि वो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए औरंगजेब ने उस पर बैन हो. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस? अब एक शहनाई नाम वाद्य यंत्र जो है वो उस पे बिस्मिल्ला खान ने कैसे उसको बदला? आंसर, ट्रेडिशनली शहनाई वाज प्लेड इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स बिकॉज इट इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. उस्ताद बिस्मिल्ला खान मेड न्यू एक्सपेरिमेंट, ही प्रोड्यूस्ड न्यू रागास दैट वेयर अर्लियर थॉट टू बी bent the shehnai's scope, he raised its playing to classical level. अब खान साहब ने जो मंदिरों में उसको उपयोग किया, शहनाई नामक वाद्य यंत्र को शादी समारोह में किया, क्योंकि इसकी आवाज बहुत अच्छी थी. उसके बाद और नई धुन से उन्होंने उस चीज को चेंज किया और ये एक क्लासिकल लेवल की जो है शहनाई ये जो है ये मानी गई. फाइंड एट लीस्ट टू थिंग्स इन द टेक्स्ट व्हिच टेल यू व्हाट बिस्मिल्ला खान लव्स इंडिया एंड बनारस. आपको दो चीजों में पाठ्यपुस्तक में से ऐसे कोई दो उदाहरण बताइए जो आपको बताते हैं कि खान साहब भारत और बनारस से प्रेम करते थे. आंसर, बिस्मिल्ला खान इज अ ट्रू पैट्रियट, ही लव्स इंडिया एंड बनारस. ये एक खान साहब एक सच्चे देशभक्त थे, उन्हें भारत और बनारस से स्नेह था. ही वाज रिफ्यूज्ड टू सेटल इन एनी अदर कंट्री, वे दूसरी जो है देश में नहीं सेटल होना चाहते थे. He always come back to India. हमेशा वह भारत आना चाहते थे. Even during partition he remained in India. भारत का जब विभाजन हुआ, he visited Pakistan for, but he love of Banaras he so deep that when he is in India, he hears to reach there is quickly as he come. वह भारत ही आना चाहते थे और पाकिस्तान जो है वो उन्हें प्रिय तो था, लेकिन वह उन्हें बनारस और भारत से ही बहुत स्नेह था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड खान गेट हिज ब्रेक? खान साहब को प्रगति कैसे मिली? आंसर,
बिस्मिल्ला खां गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। हंस साहब को जो एक बड़ा मौका है वो 1938 में मिला। ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ। लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का जब शुभारंभ हुआ तब उन्हें बोलने का मौका मिला। ही गॉट अ चांस टू प्ले चेन्नई ऑन रेडियो। चेन्नई में उन्हें रेडियो में बोलने का मौका मिला। हिज मेलोडियस म्यूजिक कुड बी फ्रीक्वेंटली हर्ड ऑन रेडियो। दिस ब्रॉट हिम फेम पॉपुलरिटी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब वे शीघ्र ही प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक बने। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं कठिन शब्द, आपको कठिन शब्दों का भी लिखना है। बी ए डबल एन आप कठिन शब्दों को देखते हैं। मैं स्पेलिंग पढ़ूंगी, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बी ए एन एन ए डी मतलब होता है बैंड। बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध। फिर आई एम पी आर ई डबल एस ई डी इम्प्रेस्ड हैड अ गॉड इफेक्ट। ये इसका दूसरा अर्थ है और हिंदी में कहते हैं किसी को आकर्षित करना। नेक्स्ट ए यू एस पी आई सी आई ओ यू एस एक्सपीशियस ऑफ गुड अमन मतलब समृद्धि लाने वाला, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है सी आर ई डी आई टी क्रेडिट या एट्रीब्यूट मतलब देना किसी को। सो बच्चों आपने डिफिकल्ट कठिन शब्द पढ़े सुने, आपको प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क दे रही हूं। लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लर्न का मतलब होता है सीखना और याद करना, ठीक है। आप सीखें प्रश्नों के क्वेश्चन यानी प्रश्न और उसके उत्तर को सीखें लिखें और याद करें। सेकंड है राइट यानी लिखना W R I T E। राइट द डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अर्थ होता है कठिन। राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स शब्द, वर्ड्स एस है तो यानी शब्द बहुत सारे। एंड हिज मीनिंग्स फाइव टाइम्स। मीनिंग्स का मतलब होता है इसके अर्थों को। आपको जो कठिन शब्द पढ़ाए गए थे उसके शब्दों को लिख के अर्थों को पांच पांच बार लिखना है। थर्ड रीड, रीड यानी पढ़ना। रीड द लेसन यानी पाठ केयरफुली। आप सावधानी से इस पाठ को पढ़िए, स्पेलिंग अच्छे से देखिए और नोटबुक में क्वेश्चन आंसर और होमवर्क नोट करें। थैंक यू सर।